instruction for an individual lesson or topic with specific outcome. Highlighted word specific outcome. देखिए, then it is a written plan which provides direction for achieving the desired learning outcome. जैसे कि हमने पहला quotation में पढ़ा था, ये एक outcomes जो aims है, हमारा goals है, उसको दिखाता है, उसके साथ साथ direction means the path, right way, how to get into that to achieve the goal. हमको एक aim भी दिखाता है, हमारा target भी दिखाता है, उसके साथ साथ lesson planning में हमारा way किस तरह से हम जाएंगे उसको उस टारगेट तक पहुंच पाएंगे, ये हमको दिखाए. सो व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ लेसन प्लान. जैसे आप लोगों ने बताया है, हम उसको फोर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज लर्निंग आउटकम. इट मस्ट, दिस इज द मस्ट फोर पिलर ऑफ परफेक्ट लेसन प्लान. लर्निंग आउटकम्स जरूर होगा. देन करिकुलम. करिकुलम मीन्स सिलेबस एंड करिकुलम के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जो क्या पढ़ाना है, कंटेंट. इट इज ओके. देन assessment part also must be in the lesson planning and pedagogy. Pedagogy means the way, the methods of teaching. Okay, so let us see. Yesterday also discussed, I have just taken this slide from the yesterday session. What is the difference between aim or goal and objective and learning outcome? Anyone who can revise yesterday things? सर, जो एम होते हैं वो बड़े लॉन्ग टर्म होते हैं और बड़ा होता है, उसका जो एरिया वो काफी वास्ट होता है. उसके बाद जो है हम एम या गोल सेम है, उसके बाद जो है उनको, उस एम को अचीव करने के लिए हम कुछ ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, और उन ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई करने के लिए लर्निंग आउटकम्स जो है वो हम डिसाइड करते हैं. जैसे कि अगर हम माने कि बच्चों को हमें साक्षरता हमें इतनी लानी थी परसेंटेज तक, तो ये एक एम हो गया. उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव ले लिया, जैसे रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, लेकिन उसको फिर रीडिंग के अंदर क्या करना है, राइटिंग के अंदर क्या करना है, ऐसे ऐसे करके हमें एक पर्टिकुलर कंसेप्ट के लिए हम लोग जो है वो PLOs डिसाइड करते हैं. ओके, सो जी जी सर, एक मैं शेयर करना चाहूँगा एक एग्जांपल. एम मींस फॉर एग्जांपल हमें टॉप फ्लोर पे जाना है, और ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसे. और लर्निंग आउटकम है स्टेप्स, जो हम वन बाय वन स्टेप चढ़ के फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे. एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली, परफेक्ट एग्जांपल. सो एम और गोल ऑफ द एजुकेशन इज अल्टीमेट. हमने बोलते हैं बहुत बहुत बार बोले हमारा एम ऑफ एजुकेशन अच्छा सिटीजन बनाना, मेक द चिल्ड्रेन गुड सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सब एम, अच्छा इंसान बनना, ये सब कुछ बहुत ही बड़ा है, मतलब अल्टीमेट होती है गोल ऑफ एजुकेशन. ओके, देन ऑब्जेक्टिव, जैसे सर ने बताया कि वो एक एम को पहुंचने के लिए, या एम को अचीव करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए जो छोटे छोटे एक्शंस हमने करते हैं, और उसको लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं, ये पिक्चर्स में आपको समझ में आएंगे. तो एक्चुअली स्टूडेंट क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं. ऑब्जेक्टिव और आउटकम की अगर बात करते, कल जैसे नंदा सर ने बताया था, ऑब्जेक्टिव इन द व्यू ऑफ टीचर साइड. ऑब्जेक्टिव जब होता है कि क्या क्या कर पाएंगे बच्चे, मैं बोलता हूँ, मैं क्या करूँगा इस लेसन के जरिए, मैं ये चीज सिखाऊंगा, दैट इज ऑब्जेक्टिव. लेकिन बच्चे जो करते हैं, व्हाट स्टूडेंट एक्चुअली प्रोड्यूस और डू आफ्टर द क्लासरूम इंटरेक्शन इज कम्प्लीटेड, दैट इज कॉल्ड लर्निंग आउटकम. ये छोटा छोटा स्टेप्स में, जैसे सर ने बताया, फ्लोर है, पूरा टॉप फ्लोर है, अलग अलग फ्लोर है एंड स्टेप्स हैं. एग्जैक्टली परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर दिस थिंग. एंड टीचर एसेस द स्टूडेंट लर्निंग थ्रू दिस आउटकम. हम स्टूडेंट को जो असेसमेंट करेंगे, ये लर्निंग आउटकम से असेसमेंट करते हैं, ना कि ऑब्जेक्टिव्स और एम्स. ओके, सो लेट अस सी, अगर हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे, जो कनेक्टिंग डॉट्स वाला कल बात कर रहे थे, वो जो हम प्रीवियस सेशंस लिए हुए हैं, कल जो जो सेशन हुआ है, आज भी जो सेशन है, कनेक्ट हो जाएगा, तो आपको एक क्लियर पिक्चर दिख जाएगी. तो लर्निंग आउटकम, जैसे हमने बता दिया कि लर्निंग आउटकम एक पहला स्टेप है, तो वो क्या है? Anybody, what is learning outcome? Lesson planning का सर, किसी भी कॉन्सेप्ट के कंप्लीट होने पे बच्चे जो कुछ कर पाने के लायक होगा, जो कुछ कर पाएंगे, जो कुछ उन्होंने सीखा होगा, वो हमारा सर लर्निंग है. सर, आफ्टर द एंड ऑफ अ लेसन, व्हाट द चाइल्ड इज एबल टू लर्न स्पेसिफिकली, व्हिच इज मेजरेबल, दैट इज कॉल्ड द लर्निंग आउटकम. To be very specific. हाँ, it is not able to learn, ma'am. Exact word will be able to do. Yes, able to do. Yes, yes.
लर्निंग आउटकम डिस्क्राइब द मेजरेबल स्किल्स एबिलिटीज एंड नॉलेज और वैल्यूज दैट स्टूडेंट शुड बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट एज ए रिजल्ट ऑफ कम्प्लीटिंग ए पर्टिकुलर कोर्स और ए पर्टिकुलर लेसन और ए पर्टिकुलर टॉपिक. जैसे कि हमने डिस्कशन किया, कल भी डिस्कशन कर रहे थे कि लर्निंग एजुकेशन का लर्निंग का थ्री डोमेन्स होता है, के एस ए, आस्क को उल्टा देने, ए एस के, आस्क को उल्टा देने से के एस ए, नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटीज और एटीट्यूड पार्ट. जनरली हम कोई भी लेसन प्लानिंग करते हैं, कभी भी लेसन प्लानिंग करते हैं तो हम के और एस, जनरली स्किल वाला, के मतलब नॉलेज. मैंने एक एग्जांपल देता हूँ, कंप्यूटर में, कंप्यूटर में क्या है, कंप्यूटर एक स्क्रीन मॉनिटर क्या है, सीपीयू क्या है, माउस क्या है, कीबोर्ड क्या है, ये नॉलेज हो गया बच्चों को, ये नॉलेज पार्ट में आ जाता है, नॉलेज उसके है. अगर वो कंप्यूटर को यूज करके कुछ काम कर सकता है, एक पीपीटी बना सकता है, एक पेंट कर सकता है, वर्ड में कुछ टाइप कर सकता है, तो वो उसका स्किल पार्ट हो गया. लेकिन हम वही दो पार्ट में हर वक्त कहीं ना कहीं हम एटीट्यूड पार्ट, जो ए पार्ट है, एटीट्यूड पार्ट को हम कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं लेसन प्लानिंग में. जो कि एटीट्यूड पार्ट में क्या होता है कि जो सिंपैथी, एम्पैथी, दिस इज द क्वालिटीज. जैसे कि एक को पता है कंप्यूटर का, एक अपने पास में एक दोस्त है उसको नहीं पता है, कोई काम दे रहे हैं उनको नहीं पता, तो उसको हेल्प कर, अपना काम खत्म करने के बाद दूसरे अपने दोस्त को हेल्प अगर कर रहा है, वो पार्ट अगर हम डेवलप कर पाए बच्चों में, वो एटीट्यूड पार्ट में आ जाता है. तो हम जनरली आज तक जो लेसन प्लानिंग करते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो थ्री डोमेन में से एक डोमेन को मिस कर रहे हैं. ओके, सो लेट अस सी आगे आगे. दे आर स्टूडेंट सेंटर रेदर देन टीचर सेंटर इन द वे, इन दैट वे दे डिस्क्राइब व्हाट द स्टूडेंट विल डू, नॉट व्हाट द इंस्ट्रक्टर विल टीच. जैसे हमने पहले भी डिस्कशन किया है, लर्निंग आउटकम ऐसा होना चाहिए कि टीचर साइड से नहीं, टीचर क्या पढ़ाएगा, टीचर व्हाट द टीचर विल टीच, इट विल बी नॉट द लर्निंग आउटकम. लर्निंग आउटकम विल बी, इट ऑलवेज बी स्टूडेंट सेंटर्ड. इट मींस स्टूडेंट व्हाट विल डू आफ्टर द सेशन, और व्हाट आर द एक्टिविटीज, और व्हाट आर द थिंग्स द स्टूडेंट कैन डू और कैन डेमोन्स्ट्रेट, इट इज द लर्निंग आउटकम. So why we have to take the learning outcome? Learning outcomes are essential in lesson planning because they define the type and depth of learning student is expected to achieve. The type and depth of the learning. आप जैसे कि कल share किया गया था learning outcome provided by NCERT in 2017. From 2017 में एक document publish किया था NCERT ने, learning outcome for elementary education. तो वहां पे आप देखेंगे क्लास वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज दे डिफाइन सम आउटकम्स. क्लास वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज आउटकम कुछ को डिफाइन किया कि ये क्लास वन खत्म होने तक बच्चा ये चीज कर पाएगा, हिंदी में, इंग्लिश में क्या क्या कर पाएगा, मैथ्स में क्या क्या कर पाएगा, डिफाइंड है. तो लेकिन आप देखिए, एक एग्जाम्पल में एक इंग्लिश में लिखा है कि द स्टूडेंट विल इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ और हरसेल्फ. क्लास थ्री में भी देखेंगे तो वही चीज है, द स्टूडेंट विल इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ और हरसेल्फ. तो यहाँ पे डेप्थ की बात आती है. जैसे कि बच्चा अगर क्लास वन का बच्चा है तो वो अपना नाम बता दिया, अपने पापा का नाम बता दिया, दैट इज सफिशिएंट, वो डेप्थ है. लेकिन क्लास थ्री में इंट्रोड्यूस का मतलब क्या होगा, वो अपना नाम बताएगा, अपना गांव का नाम बताएगा, किस एरिया में रहते हैं, एड्रेस बता सकता है. तो इस तरह का डेप्थ भी डिफाइन किया गया है. देन नेक्स्ट, प्रोवाइड एन ऑब्जेक्टिव बेंचमार्क फॉर फॉर्मेटिव, समेटिव एंड प्रियर लर्निंग असेसमेंट. दो फॉर्मेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट में लर्निंग आउटकम होगा तब जाके तो हम टेस्ट में क्या करते हैं, वो लर्निंग आउटकम अचीव हुआ कि नहीं वो टेस्ट करते हैं. तो ये असेसमेंट के लिए हमको ऑब्जेक्टिव और बेंचमार्क प्रोवाइड करता है. क्लियरली कम्युनिकेट एक्सपेक्टेशन टू द लर्नर, और ये लर्नर को भी, लर्नर का एक्सपेक्टेशन क्या है, उनको क्या क्या कर पाएंगे, वो भी क्लियरली कम्युनिकेट करता है लर्निंग आउटकम. एंड इट डिफाइन द कोहेरेंट यूनिट्स ऑफ लर्निंग दैट कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड और मॉड्यूलराइज फॉर क्लासरूम एंड अदर डिलीवरी. जो हम इंटीग्रेटिव लर्निंग की बात करते हैं, कोहेरेंट यूनिट मींस मिक्स ऑफ. तो एक बड़ा यूनिट का इंटीग्रेटिव लर्निंग में हम बात करते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल आया था जो हाथी वाला कहानी, फाइव ब्लाइंड पीपल दे आर गोइंग टू, उनको हाथी के पास ले गया गया और उनको बताया, पूछा गया था किस तरह का है हाथी. तो बताते हैं कि जो कान को पकड़ा वो बोला कि इस इज लाइक ए बिग फैन, जो ट्रंक को पकड़ा बोला कि ये एक पिलर की तरह है, जो बॉडी को पकड़ा बोला कि एक बड़ा सा वाल की तरह है, जो पूंछ को पकड़ा वो बोल रहा है कि ये. तो अगर हम इंटीग्रेटिव लर्निंग की बात करते हैं, जब ये सेशन में हम डिस्कशन करेंगे, पूरा होल पिक्चर क्लियर होता है इंटीग्रेटिव लर्निंग. तो यहाँ पे भी वही है, लर्निंग आउटकम आपको छोटे छोटे वो कोहेरेंट यूनिट, लर्निंग का पूरा यूनिट को एक डिफाइन करता है, उसके साथ साथ सब डिवाइडेड छोटा छोटा करके भी हम उसको
एग्जीक्यूट कर सकते हैं, देन गाइड एंड ऑर्गेनाइज द इंस्ट्रक्शन एंड द लर्नर। जैसे कि आपको बताया गया ये हमको गाइड एंड ऑर्गेनाइज, टीचर्स को तो ऑर्गेनाइज एंड गाइड करेगा, लर्नर्स को कैसे करेगा? लर्नर्स शुड ऑल्सो अवेयर ऑफ द लर्निंग आउटकम। आपने देखा है जो निपुण भारत का लक्ष्य की बात कर रहे थे, वो लक्ष्य का पोस्टर बना के अथॉरिटी से लेटर आया था कि वो पोस्टर्स को स्कूल में दीवार में चिपकाना है जहां पे सभी लोग देख पाएंगे। व्हेन द नीड ऑफ दिस वन पोस्टर लर्निंग आउटकम या लक्ष्य का पोस्टर को हम हाँ जी जी so that the learner it should be learners also ताकि वो बार बार उसको देखते रहे और रिमाइंड होता रहे। हाँ लर्नर्स को भी, लर्नर्स को, पेरेंट्स को, सभी को पता चले एटलीस्ट कि क्या करने वाले हैं हम साल के एंड तक, क्या क्या सीखने वाले हैं हम साल के एंड तक। तो खाली टीचर्स के पर्सपेक्टिव से नहीं, टीचर्स को खाली हेल्प नहीं करता, अगर क्लियर दिखता रहेगा तो सर। ओके ओके, और ये लर्नर को भी हेल्प करता है। सो लर्निंग आउटकम्स कैसा होना चाहिए, कल डिस्कशन किया है, आज सुबह भी डिस्कशन थोड़ा बहुत हुआ है, किस तरह का होना चाहिए लर्निंग आउटकम, आप बताइए। सर ये जो लर्निंग आउटकम है, ये बच्चे को हमें कोई भी एक्टिविटी कराने से पहले बोल देना है या कराने के बाद उनको पूछना चाहिए कि आपने क्या सीखा इससे? लेकिन देखिए लर्निंग आउटकम ये फिक्स है, जो एनसीईआरटी लर्निंग आउटकम वो तो फिक्स है पहले से ही, वो सभी को पता है, वो पहले से दिया। लेकिन आपका असेसमेंट पार्ट में आप क्या सीखेंगे वो आप बाद में कराएंगे। अलग अलग मेथोडोलॉजी है मैडम, कुछ मेथड्स में पहले लर्निंग आउटकम बताया जाता है, कुछ मेथड में वो पहले एक्टिविटी किया जाता है, पहले प्रोजेक्ट दिया जाता है, बाद में क्या सीखे वो बताया जाता है। अच्छा ओके, we'll discuss in each and every pedagogy अलग अलग लर्निंग आउटकम के। जैसे कि हम मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट आजकल चल रही है, इस मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट में पहले क्या सीखेंगे हमको नहीं बताते, हम पहले प्रोजेक्ट दे देते हैं काम करने के और कंप्लीट करेंगे जब प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट के पूरा ड्यूरेशन में जो 1 मंथ का है, 2 मंथ का है, उसी बीच वो क्या क्या सीखे, अलग अलग चीज सीखेंगे। एक ही प्रोजेक्ट के अंदर वो मैथ भी सीख रहे हैं, ईवीएस के कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, लैंग्वेज भी सीख रहे हैं, यस नो? प्रोजेक्ट वी कैन ओके। सो आपको जैसे कल डिस्कशन भी सर ने किया था कि लर्निंग आउटकम कैसा होना चाहिए आपको, यस विदिशा मैम लिखा है लर्निंग आउटकम शुड बी क्लियर सिंपल एंड वेल डिफाइंड एंड मेजरेबल, स्मार्ट होना चाहिए। नहीं हमको हर चीज स्मार्ट पसंद है, स्मार्टफोन है ना, स्मार्ट आजकल स्मार्ट डिवाइसेस है, स्मार्ट लाइट आ गया है, वो एलेक्सा ऑपरेटिंग वाला, एवरीथिंग स्मार्ट हो गया ना, हमको लर्निंग आउटकम भी हमारा क्या चाहिए, स्मार्ट। लेट अस सी, स्मार्ट मींस स्पेसिफिक, लर्निंग आउटकम स्पेसिफिक होना चाहिए। आप जिस पर्टिकुलर लेसन प्लान में ले रहे हैं वो स्पेसिफाई होना है। कल डिस्कशन इसके बारे में किया गया था कि मुझे बच्चों को इसी चैप्टर में 2 डिजिट के, मतलब अप टू 99 2 डिजिट के मल्टीप्लीकेशन सिखाना है, बस स्पेसिफिक। ऐसे नहीं हम कभी कभी लिख लेते हैं कि द स्टूडेंट द लर्नर्स विल लर्न टू मल्टीप्लाई, वहाँ पे स्पेसिफिक नहीं हुआ, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन तो बहुत सारा है, बहुत वेराइटीज के हैं। आप जितना ज़्यादा स्पेसिफाई कर सकते हैं पर्टिकुलर स्पेसिफिक होना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट मेजरेबल, आपने सभी लोगों ने कल भी डिस्कशन किया है, ये एट द एंड ऑफ द लेसन वी शुड मेजर। जैसे कि कल सर ने बताया कि द स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंड ये मेजरेबल वर्ड्स नहीं है। जैसे कि वो समझ गया, आपको कैसे पता चलेगा कि वो समझ गया, मेरे बात समझ रहे ना? क्यों आपने लिख दिया कि द स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड कर गया, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा, आप कैसे मेजर कर पाएंगे वो समझा के नहीं? आप टेस्ट लेंगे, टेस्ट किस तरह का लेंगे, आइदर ओरल टेस्ट लेंगे या फिर रिटन टेस्ट लेंगे, तो आप लिखेंगे वहां पे अंडरस्टैंड ना लिख के द स्टूडेंट कैन राइट और द स्टूडेंट विल एबल टू राइट लिखेंगे तो वो बेहतर होगा। यस सर, एम आई क्लियर? ऐसा वर्ड हम लिखेंगे जो मेजरेबल होना चाहिए, कोई इशू नहीं, लेकिन अंडरस्टैंड अगर हम लिखते हैं तो स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड, बट हाउ कैन यू नो दैट स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड? दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट इट एट मेजरेबल, देन अचीवेबल। अचीवेबल मींस रियलिस्टिक, अचीव कर सकते हैं जैसा रखना है। ऐसा नहीं कि जब मैं इस सेशन के बाद बच्चों, जैसे कल डिस्कशन हो रहा था फैशन डिजाइनिंग का, शाहरुख खान के लिए एक ड्रेस डिजाइन कर लेगा, अचीवेबल है क्या? एक
पीरियड में और या एक 15 दिन के एक ब्लॉक में आप उसको सिखा सकते हैं, नहीं ना? तो आप जो उसी लेसन के बाद, उसी पीरियड के बाद जो आप अचीव कर सकते हैं, इस तरह का लर्निंग आउटकम होना चाहिए। देन नेक्स्ट, रिलेवेंट वो टॉपिक से जो आपका टॉपिक है उसके साथ रिलेवेंट होना चाहिए। इधर उधर की जैसे हम कभी कभी क्या करते हैं, लेसन प्लान लिखते वक्त तो हमारे पास वो पुराने पड़े होते हैं सिलेबस, और उसमें कुछ एक्टिविटीज वगैरह दिया होता है, TLO लिखा हुआ होता है, हम उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। जैसे आज सुबह भी डिस्कशन है कॉपी पेस्ट के जमाने, तो हम उसको समझते नहीं है कि वो रिलेवेंट है कि नहीं उस टॉपिक के साथ, या लिंग हम लिख देते हैं, लिखा हुआ है पहले से ही कहीं जो चल रहा है उसको दे दिया। एंड इज टाइम बाउंड, मतलब आपका जो भी टाइम पीरियड है, 15 दिन का लिए हैं, 10 दिन का लिए हैं, जो भी टाइम है उस टाइम पीरियड में उसको कंप्लीट होना चाहिए वो चीज। ओके, तो आवर लर्निंग आउटकम शुड बी स्मार्ट। ओके, एवरीथिंग विल बी सर। ओके, तो नेक्स्ट किस तरह से लिखना है ये भी शायद कल डिस्कशन हो गया होगा। क्लियर लैंग्वेज विदाउट एनी एम्बिग्युटी, ऐसा वर्ड्स नहीं यूज करेंगे जिसमें कंफ्यूजन हो। बिहेवियरल एक्टिविटीज होना चाहिए। देन मेजरेबल आउटकम्स विद डिजायर परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, लिंक टू टीचिंग एंड लर्निंग मेथड्स, एंड असेसमेंट एंड इवेल्यूशन मस्ट बी अलाइन विद लर्निंग आउटकम। ये हमने जैसे लिंक टीचिंग लर्निंग मेथड्स के साथ, पेडागोजी के साथ ये लिंक होना चाहिए लर्निंग आउटकम आपका, एंड असेसमेंट के साथ ऑल्सो लिंक होना चाहिए। तो ये लर्निंग आउटकम बेस्ड लेसन प्लान, जो भी लेसन प्लान हम लिखते हैं, लर्निंग आउटकम बेस्ड लेसन प्लान किस तरह से बनाएगा, ये देखिए। एम्स आउटकम हो गया, कोर्स कंटेंट, टीचिंग स्ट्रेटेजी, ये वाला पार्ट को अगर आप देखेंगे, देन लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्रिएट करेंगे, एंड असेसमेंट पार्ट। ये वाला सर्कल को अगर हम साइकिल को देखेंगे, तो लर्निंग लर्निंग आउटकम्स को हमको पहले लिखना है, जो कि क्लियर मेजरेबल ऑब्जेक्टिव आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट लर्निंग इन लाइन विद असेसमेंट क्राइटेरिया के साथ। देन प्रोवाइड क्रिएट लर्निंग अपॉर्चुनिटी, उसके बाद लर्निंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे जो भी मेथोडोलॉजीज होगा। देन असेस द स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, उसके लर्निंग आउटकम को हम असेस करेंगे। उसके बाद फिर है यूज असेसमेंट रिजल्ट। ये यूज असेसमेंट रिजल्ट क्यों काम आएगा हमको, उसके बाद ये साइकिल जैसा बना हुआ है देखिए, क्योंकि हमने एक लर्निंग आउटकम लिख लिया, बना लिया, उसके लिए उसको अचीव करने के लिए हमने जो भी लर्निंग एनवायरमेंट है क्रिएट कर लिया, मींस हमारे पेडागोजी हमने यूज कर लिया। उसके बाद हम बच्चों को असेस करेंगे वो लर्निंग आउटकम अचीव हुआ कि नहीं। उसके बाद उसी रिजल्ट को अगर अचीव हुआ है वेल गुड, हम आगे बढ़ेंगे। अगर अचीव नहीं हुआ है तो हम पेडागोजी चेंज कर सकते हैं, अलग अलग पेडागोजी, जो हम रिमेडियल स्ट्रेटेजी कहते हैं क्लास में, रिमेडियल मेजर्स कब लेते हैं, जब हमने पढ़ा लिया, बच्चों ने नहीं सीख पाए, उसके बाद हम रिमेडियल करते। तो ये असेसमेंट रिजल्ट को यूज करके हम रिमेडियल स्ट्रेटेजी हमारा प्लान करेंगे। उसके बाद फिर दोबारा नेक्स्ट साइकिल चलता रहेगा। ओके, सो जो सर ने कल शेयर किया था NCERT लर्निंग आउटकम्स, जिसमें पूरे लर्निंग आउटकम दिया हुआ एंड ऑफ द सेशन, वो क्लास वन का, जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ऑलरेडी आपको जो शेयर किया है वो मटेरियल है, लर्निंग आउटकम एट द एलिमेंट्री स्टेज। इसमें आप अगर देखेंगे, आप अगर कल उसके जरिए गए होंगे, तो यहाँ पे देखिए क्लास फोर का मैथमेटिक्स है। इस साइड में लर्निंग आउटकम राइट हैंड साइड में है, द लर्नर्स अप्लाई द ऑपरेशन ऑन नंबर्स इन डेली लाइफ मल्टीप्लाई 2 and 3 digit नंबर्स, ये लिखा हुआ है। और इस तरफ कुछ पेडागोजिकल प्रोसेसेस भी दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, द लर्नर में प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, क्या क्या कर सकते हैं, इसके लिए सजेशन भी आपको, अगर ये डॉक्यूमेंट्स के तरफ अगर जाएंगे आपको बहुत ही हेल्प करेगा। और हम पर्टिकुलरली इस सेशन में इसी लर्निंग आउटकम बुक्स को लेके कैसे आपका लेसन प्लान करेंगे उसके बारे में हम प्रैक्टिकली बात करेंगे। तो लेट अस, तो यहाँ पे हमने, मैं एक समरी के लिए दे दिया हूँ कि जो NCERT की लर्निंग आउटकम है, क्लास वन का इंग्लिश मैथ हिंदी, नंबर ऑफ LOs लर्निंग आउटकम इंग्लिश में 15, मैथ में 9, हिंदी में 14 लर्निंग आउटकम डिफाइन किया हुआ है NCERT ने। इस तरह का आप देखें, क्लास टू के लिए इंग्लिश और मैथ हिंदी में 12, 7 and 17, टोटल 36, क्लास वन के लिए टोटल 38 लर्निंग आउटकम उन्होंने किया है, कि मतलब ये एट द एंड ऑफ द क्लास वन, मतलब क्लास वन कंप्लीट होने तक ये चीज अचीव हो जाना चाहिए। हम कल भी जो बात कर रहे थे, हमारा बुक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, ये लर्निंग आउटकम जो है वो अचीव हो जाना चाहिए। क्लास थ्री में इंग्लिश में 16, ये आपको शेयर किया जाएगा, आप देख लीजिएगा, और आप अगर उस डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे तो इजीली आप उसके बारे में जान सकते। सो अभी द कनेक्टिंग डॉट्स की बात करते हैं। तो एक लेसन प्लान में क्या चीज हम डॉट कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ये तो हमारा जो वर्कशॉप है पूरा डॉट
कनेक्शन करने की बात कल मैं जो कर रहा था लास्ट दिन तक हो जाएगा, पर्टिकुलरली इसी सेशन आज तक जितना सेशन हुआ है उसमें क्या है, एक चीज है लर्निंग आउटकम, दूसरा है पेडागोजिकल प्रोसेसेस, तीसरा है असेसमेंट। ये तीनों को अलाइन कनेक्ट करना है हमको लेसन प्लान में, मतलब जो भी लर्निंग आउटकम हम ले रहे हैं उसी को अचीव करने के लिए हम पेडागोजिकल प्रोसेस यूज करेंगे और पेडागोजिकल अप्रोचेस हम यूज करेंगे अपने क्लास में, और उसी लर्निंग आउटकम को लेके ही हम हमारा असेसमेंट प्लान करें। ऐसा नहीं है, कभी कभी हम करते हैं क्या, एक बता रहा हूं मैं, कहीं पे भी हम लास्ट में असेसमेंट में लिखते हैं द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू राइट 5 sentences अबाउट रेनी सीजन और फ्लड, लिखते हैं असेसमेंट में लिखते हैं कि नहीं हम, लेकिन अगर हम देखेंगे पेडागोजिकल प्रोसेस में कोई भी पेडागोजी हम जब यूज किए हैं या फिर जो भी एक्टिविटी प्लान किए हैं हम, कहीं पे राइटिंग वाला पार्ट नहीं रखे हैं। अब अगर हम राइटिंग नहीं सिखाए हैं तो राइटिंग टेस्ट कैसे करेंगे? मेरे बात को समझने की थोड़ा कोशिश करिए कि अगर हम जो चीज नहीं सिखाए उसका टेस्ट हम कैसे करेंगे? हम लिख लेते हैं कि स्टूडेंट विल राइट अबाउट 5 sentences अबाउट रेनी सीजन और फ्लड और एनीथिंग है, लेकिन हमारा जो एक्टिविटी उसी लेसन प्लान में, आप खुद अपना लेसन प्लान भी देख लीजिए अगर थोड़ा सा, तो अपने लेसन प्लान में कहीं पे भी आपने एक्टिविटी प्लान नहीं किया कि राइटिंग में सिखाऊंगा बच्चों को, क्या ये एक्टिविटी राइटिंग प्रैक्टिस के लिए है? राइटिंग प्रैक्टिस का कोई भी एक्टिविटी हमारे पास नहीं है लेकिन हमने असेसमेंट में दे दिया। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि लेसन प्लानिंग जब भी करते हैं हम, प्लान जब भी करते हैं, टीचर्स डायरी जब भी लिखते हैं जो 15 days का, जो भी लर्निंग आउटकम हम लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमको पेडागोजिक यूज करना है और उसी के अकॉर्डिंग हमको असेसमेंट प्लान करना है। ये तीनों अलाइन होना चाहिए। ये मैं खाली ऐसे बता नहीं हूं, आपको एक एग्जांपल के साथ भी बताऊंगा। देन एग्जांपल लेसन प्लान, हम आए थे लेसन प्लान की तरफ। एक मैंने कोशिश किया है बनाने की एक लेसन प्लान, उसमें थोड़ा हम देखते हैं अलाइन कैसे हो रहा है। लेट अस सी क्लास 5 का एक स्नेक चार्मर स्टोरी है, आप लोगों ने जो क्लास 5 में डील करते हैं जानते होंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक फॉर्मेट, जैसे यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे लेसन प्लान का फॉर्मेट देखिए, आप वो मतलब बुलाएंगे सर हमारे डायरी में तो ये कॉलम नहीं है, इट इज अप टू यू, आप कहीं पे भी किसी कॉलम में ये बना सकते, लेकिन एक एग्जाम्पलर है कि इस तरह का लेसन प्लानिंग होना चाहिए एक चीज, क्योंकि बिफोर दैट ऑल्सो आपको शायद बहुत सारे जगह पे लेसन प्लानिंग कैसे करना है, टीचर्स डायरी कैसे करना है, इस तरह का ट्रेनिंग वगैरह शायद नहीं किया होगा। आप ज्वाइन किए हैं, जैसे लोग लिख रहे हैं आप देख के लिखना शुरू कर दिए, यस, ये पर्टिकुलरली लेसन प्लान कैसे बनाना है, किस तरह से ये लर्निंग आउटकम को NCERT जो लर्निंग आउटकम 2017 में दिया है उसको कैसे अलाइन करके, उसको कैसे अचीव करने के लिए हमने लेसन प्लान बनाएंगे, कभी ना ये कोशिश किया है या किसी के ऊपर कोई ट्रेनिंग दिया गया है आपको? नहीं सर, नहीं दिया गया है। हम लेसन प्लान तो बना रहे हैं, हमको जितना समझ में आता है या फिर जो हमारे एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं स्कूल में, वो लोग जो सिखाए हैं कि हमको इस तरह का लिखा जाता है, हम लिख रहे हैं, ये सुनो। तो ये एक एग्जांपलर लेसन प्लान है जिसमें कि आपको लर्निंग आउटकम जो NCERT ने प्रोवाइड किया है उसको बेस करके हम कैसे लेसन प्लान करेंगे। तो ये चैप्टर है क्लास 5 का EVS स्नेक चार्मर स्टोरी। यहाँ पे जो पार्ट है, क्योंकि हमने यहाँ पे इजीली रहने के लिए मैंने इस तरह का टेबल बनाया, आपका टीचर्स डायरी में जिस तरह का टेबल बना हुआ है या कॉलम बना है उसमें आप इसको, लगभग सारा चीज वही है, नाम वगैरह थोड़ा है, तो हम कनेक्टिंग करने की कोशिश करें। मेरा स्टेटमेंट ऑफ टीचिंग फिलोसफी, जैसे बताया गया मेरा, आई बिलीव स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट व्हेन दे लर्न इन ऑथेंटिक कॉन्टेक्स्ट, बाय लर्निंग थ्रू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग दे डिस्कवर द वैल्यू इन नॉलेज, हेंस आई प्रायोरिटाइज ऑथेंटिक लर्निंग सिचुएशन व्हेयर स्टूडेंट लर्न through solving real world problem. In this way, I help my student understand the connection between what they are learning and life beyond the four walls of the classroom. And real world ke saath connect karne ki main koshish karta hun EVS mein generally. Generally ye EVS ka plan hai, to us EVS mein pura real world ke saath hum connect karne ki koshish karte hain. Ye mera policy hai. You may agree, may not agree. Jaise sir ne bataya ki STP apna personal hoti hai. और कभी कभी क्या है, पर्सनल STP भी कभी कभी हम चेंज भी कर सकते हैं, कि आपको अगर पता होगा इन सर्विस कोर्स जो है, इन सर्विस कोर्स में अभी रिसेंटली लास्ट ईयर से एक अलग से जो इन सर्विस कोर्स नाम का प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट और मिड टेस्ट, 3 tests होती है, उसमें मार्किंग किया जाता है जो लोग इन सर्विस कोर्स किए होंगे, जो लोग नए टीचर्स हैं शायद इन सर्विस कोर्स अभी तक अटेंड नहीं किए होंगे, तो उसमें आपका डेमो लेसन भी होती है, उसमें मार्किंग होती है, आप जो ग्रुप वर्क करते हैं उसका मार्किंग भी होती है। तो जो 100 mark की आपका ग्रेडिंग बनती है उसमें से 5 marks ये STP के लिए दिया गया है, मतलब आप अपना STP लिखेंगे, आपका
पेयर, मतलब आपका जो बॉडी है ग्रुप बना के दो दो लोगों का पेयर में, वो अपना एसटीपी लेंगे, आप दोनों अपना एसटीपी को डिस्कशन करेंगे। कभी कभी मैं आपके साथ बैठकर आपका एसटीपी सुन लिया या देख लिया, मुझे अच्छा लग गया उसका कुछ पॉइंट, तो मैं उसको इनकॉर्पोरेट कर लूंगा मेरे एसटीपी में। आप एग्री कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो ये क्रिटिकल एनालिसिस ये है कि एक दूसरे का एसटीपी पढ़ के कौन सा सही है। ये देखिए यहाँ पे सही गलत की बात नहीं आती, जैसे सर ने बताया, अपना अपना पॉलिसी है, अपना अपना फिलोसफी है, अपना अपना थ्योरी है, अपना अपना अंडरस्टैंडिंग है। सो ये मेरा फिलोसफी। हम लेसन प्लान की तरफ जाते हैं। जैसे कॉलम आप देख रहे हैं लगभग यही रहता है, फोकस्ड स्किल जो कॉम्पिटेंसी और स्किल्स है, कॉन्टेंट जो जिस्ट बोल रहे हैं आप, देन लर्निंग आउटकम ये रहता है, देन पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी, यस इसमें जो एक्टिविटीज करके आप प्लान करें, एक्टिविटी प्लान करके कॉलम होता है शायद लेसन प्लान में, यस नो। देन रिसोर्सेस क्या यूज किया मैंने, इंटीग्रेशन कौन कौन से सब इंटीग्रेट किया है मैंने, देन असेसमेंट स्ट्रेटेजी, असेसमेंट ऑच ऑफ एंड फॉर लर्निंग, लर्निंग असेसमेंट एच लर्निंग, असेसमेंट तीन टाइप का होता है, एच लर्निंग, ऑफ लर्निंग एंड फॉर लर्निंग। तो ये तीनों कैसे मैंने किया है, जो असेसमेंट एच लर्निंग क्या है, असेसमेंट एच लर्निंग इट इज द फॉर्मेटिव असेसमेंट, असेसमेंट करें उसके साथ साथ लर्निंग भी हो रहा है, एक बीच में क्विज कंपटीशन करा दिया है ना, हम डिस्कशन करेंगे। देन असेसमेंट ऑफ लर्निंग ये समेटिव असेसमेंट है, आपने जो आउटकम लिया है वो अचीव हुआ कि नहीं, लास्ट में एट द एंड हमने लेता है। एंड फॉर लर्निंग जो प्री टेस्ट टाइप का है, यस कोई कुछ बोल रहे थे जी सर? ओके ओके, आप देखेंगे यहाँ पे जो प्लानिंग किया गया उसमें देखेंगे क्लियर हो जाएगा कनेक्टिंग डॉट्स वाला, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं सर, फोकस स्किल एंड ऑब्जर्वेशन, ये तो आपको पता है कॉम्पिटेंसी, चारों सब्जेक्ट में अलग अलग कॉम्पिटेंसी जिसमें यही है, दिस इज नॉट न्यू थिंग, ओके। प्रोग्रेस करूँ आगे, पहला कॉलम में कोई इशू नहीं है, अभी देखते हैं कंटेंट में। कंटेंट में मैंने जिस्ट में लिखा रिलेशनशिप एंड इंटरडिपेंडेंट बिटवीन स्नेक चार्मर्स एंड द स्नेक्स, ये चैप्टर स्नेक चार्मर स्टोरी है, तो उस लेसन का जिस्ट है कि एक स्नेक चार्मर और स्नेक्स के बीच रिलेशनशिप बताया गया है। देन कम्युनिटीज डिपेंडिंग अपॉन एनिमल्स फॉर लाइवलीहुड, डिफरेंट कम्युनिटीज होते हैं जो कि अपने लाइवलीहुड के लिए एनिमल्स को, जैसे कि मदारी है, भालू अंदर रख के, यहाँ पे स्नेक्स चार्मर्स हैं, ये अपने लाइवलीहुड के लिए एनिमल्स को यूज करते हैं, ठीक है। थीम आपको पता है ईवीएस में कितने थीम हैं, जो डिफाइन किया गया है एनसीईआरटी ने ईवीएस सब्जेक्ट में एनवायरमेंटल स्टडीज में कितने थीम हैं? सिक्स। कोई बता सकते हैं सर? वाटर, शेल्टर, थिंग्स एंड वर्क वी डू, जो बताना चाहिए, फूड, फूड, ट्रैवल, ओके, लेट अस सी, शेल्टर, वाटर, फैमिली एंड फ्रेंड्स, थिंग्स वी मेक एंड डू, दीज आर द सिक्स थीम्स सर। ट्रैवल, ये थीम इज ईवीएस एज पर एनसीएफ, एनसीएफ 2005 जो था उसमें छह थीम दिया था, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल एंड थिंग्स वी मेक एंड डू, और पहला जो थीम है उसको फिर चार पार्ट में डिवाइड किया गया, जो कि फैमिली एंड फ्रेंड्स को रिलेशनशिप, वॉक एंड प्ले, एनिमल्स एंड प्लांट, ये सिक्स थीम है ईवीएस में, ठीक है। तो ये थीम में से मैंने पहला वाला थीम जो फैमिली एंड फ्रेंड्स है उसको लिया है इस चैप्टर में, और सब थीम उसका एनिमल्स, ओके। तो अभी आज बात आती है एनसीईआरटी लर्निंग आउटकम की, जो हमने जो भी लेसन प्लान करें एनसीईआरटी लर्निंग आउटकम का हुई तो जरूर लेंगे, क्योंकि वो बोल रहा है कि हमको क्लास फाइव एंड तक ये चीज चाहिए, तो हम देखते हैं एनसीईआरटी लर्निंग आउटकम क्या है। एक मिनट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो एनसीईआरटी लर्निंग आउटकम का मैंने पर्टिकुलरली उसी पेज को ले लिया है, क्लास फाइव ईवीएस का, मैंने पूरा टोटल डॉक्यूमेंट को नहीं लिया है। तो लर्निंग आउटकम जो डिफाइन किया है, 10-12 लर्निंग आउटकम डिफाइन किया है ईवीएस में क्लास फाइव के लिए, तो तीसरा वाला जो है, डिस्क्राइब द इंटरडिपेंडेंस एमोंग एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमंस, एग्जाम्पल कम्युनिटीज अर्निंग लाइवलीहुड फ्रॉम एनिमल्स, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, ये जो लर्निंग आउटकम है इसी लर्निंग आउटकम को मैंने इसी लेसन के लिए लिया है, एनसीईआरटी लर्निंग आउटकम को मैंने कनेक्ट किया, ये समझो मैंने ये पर्टिकुलरली यहाँ पे, देखिए मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे आपको समझने के लिए, ओनली समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक लिंक दिया है कि हमने एनसीईआरटी लर्निंग आउटकम को बेस करके ही हमारा लेसन प्लान बना रहे, ओके। तो ये लर्निंग, देन
फिर मैं आता हूँ अपने ELO या TLO आप जो बोलते हैं टारगेटेड लर्निंग आउटकम, जो लर्निंग आउटकम जो लेसन स्पेसिफिक है, हमने ये NCERT लर्निंग आउटकम ले लिया, उसके साथ इसी लेसन के एंड में क्या हुआ, एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर द स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ स्नेक चार्मर, रिलेट द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, एक्सप्लेन दैट स्नेक्स आर फ्रेंड ऑफ फार्मर, आइडेंटिफाई पॉइजनस स्नेक्स एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स, the demonstrate giving fast aid for snake bite. ये इतना मैंने learning outcome इसी particular topic के लिए मैंने लिया है lesson specific learning. और ये सारे learning outcome अगर आप सोचेंगे तो NCERT वही एक learning outcome के साथ relate कहीं ना कहीं कर रहा है. Then इसी learning outcome को मैंने achieve करने के लिए क्या क्या मैंने pedagogical strategy लिया है, क्या क्या ये लिया है. पहला है ICT जो कि PPT and videos to show lives of snake charmers followed by group discussion. एक PPT और वीडियो दिखाया जाएगा बच्चों को स्नेक चार्मर्स के लाइफ के बारे में और उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होगा. तो यहाँ पे जो पहला लर्निंग आउटकम अगर आप देख रहे हैं डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ स्नेक चार्मर, ये मेरे इस स्ट्रेटेजी से फुलफिल हो रहा है. ये समझो, देखिए मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने जो भी लर्निंग आउटकम लिया है वो मेरे एक्टिविटी में प्लान है. तो अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये मैंने लिंक दिया हूँ, पूरा दिखाऊंगा नहीं, तो ये वीडियो हमारा दिया हुआ है नेशनल ज्योग्राफी का स्नेक चार्मर्स के ऊपर, तो वो वीडियो का लिंक है, ये नेशनल ज्योग्राफिक चैनल का है. ठीक है, सो ये मैंने ये वीडियो को दिखाने के बाद फिर डिस्कशन ग्रुप डिस्कशन होगा. देन रिलेट द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग है, देखिए ड्रॉ एंड आइडेंटिटी इसमें ये भी आ जाएगा, ये PPT के अंदर ये रिलेशन भी एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग के बीच रिलेशन की बात भी आ जाता है. देन उसके लिए और दूसरा भी है, देखिए सर्वे अबाउट पीपल हु कीप एनिमल्स फॉर देयर लाइवलीहुड, ये एक है, सर्वे करेंगे अपने लोकल लोकेलिटीज में, जो ऐसे अगर किसी बस्ती में जो रहते हैं बच्चे, अगर कहीं पे कुछ ऐसे एनिमल्स रखे हैं लाइवलीहुड के, जैसे कि स्नेक चार्मर हो, मदारी हो, कोई भी है, तो उसके सर्वे करके वो लिख सकते हैं उसके बारे में, तो ये थोड़ा बहुत आइडिया उनको हो जाएगा रिलेशनशिप कैसा होता है एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग के. देन ड्रॉ एंड आइडेंटिफाई द एप्रिशिएट वेरियस वाइल्ड बोर्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इसमें ये एक्स्ट्रा टॉपिक ये है, इंटीग्रेट करने के लिए म्यूजिक को, आर्ट को इंटीग्रेट करने के लिए, जो वाइंड ब्लोन इंस्ट्रूमेंट जो फूंक मार के बजाया जाता था इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि ये चैप्टर में होट ब्लो कॉल्ड है, जैसे कि इसमें आ जाएगा क्या कि बीन के बारे में आ जाता है, बीन फ्लूट, हाँ फ्लूट के बारे में आइडिया, मतलब ये म्यूजिक के साथ हम कोरियन. ओके, देन ग्रुप डिस्कशन स्नेक आवर फ्रेंड और फो, ये ग्रुप डिस्कशन किया जा सकता है बच्चों में, कैसे हमारा फ्रेंड है या दुश्मन है हमारा स्नेक, कैसे फार्मर का कैसे फ्रेंड है, कैसे हेल्प करते हैं खेतों में रेट्स को खा जाते हैं ताकि वो रेट हमारे पेडी फील्ड को या फिर ग्रेन्स को नुकसान ना पहुंचाएं. Then PPDs and videos to show different parts, mouth, body and size of poisonous and non-poisonous snakes, poisonous and non-poisonous snakes को पहचानने के लिए कैसा generally होता है, जो brief idea हम दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं detail पढ़ाने की बताऊँ, primary में थोड़ा idea हम दे सकते हैं कि इस तरह का face होगा, इस तरह का body में structure होगा, है ना, तो ये poisonous होता है, ये non-poisonous होता है. Then making a snake puppet, it is art also, art integrated learning. Making fast aid kit and listing the item included. एक fast aid kit बनाना ही था. जैसे कि suppose snake काट लिया है, तो क्या किस तरह का fast aid दिया जा सकता है, मतलब उसको सुलाना नहीं है, उसके जहाँ पे काटा होगा उसके ऊपर रस्सी पे थोड़ा बांध देना, ये जो normal है. And fast aid kit, ये real life situation के साथ जुड़ जाएगा. Fast aid kit अगर बनाएंगे वो, तो वो fast aid kit में क्या क्या चीज़ हम include कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ रख सकते हैं, ये real life एजुकेशन होगा. देन मॉक ड्रिल प्रिवेंशन एंड एड फॉर स्नेक बाइट, मतलब मॉक ड्रिल हम क्या जा सकते हैं प्रिवेंशन स्नेक से काटने से बचने के लिए, हमको क्या क्या प्रिवेंशन मेजर लेने हैं, जैसे कि जूता वो लॉन्ग रबर बूट पहनना है, शाम को अगर निकल रहे हैं अंधेरे जगह में जाना है तो लाइट लेके जाना है, कभी खेल रहे हैं बुश में कहीं पे आपका बॉल चला गया तो सडनली आप बुश के अंदर नहीं घुसेंगे, पहले एक स्टिक से या फिर ताली बजा के कुछ अगर अंदर कोई स्नेक वगैरह है तो उसको बाहर निकल, ये कॉमन आइडियाज उसको उनको दे सकते हैं. जैसे यहाँ पे भी मैंने कुछ लिंक उसका दे दिया है, एक PPT का एक स्लाइड का पिक्चर मैंने दिया है कि प्रिवेंशन हम क्या से करें, कीप द एरिया क्लीन एंड टाइडी, डोंट थ्रो गार्बेज अराउंड द हाउस क्योंकि ये अट्रैक्ट करते हैं फ्रॉक्स एंड रैट्स व्हिच इन टर्न अट्रैक्ट द स्नेक्स, रिमूव ऑल रबल्स एंड अंडरग्रोथ इन द एरिया, ये आपके घर के आसपास स्कूल में ये सब कुछ हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं स्नेक्स से बचने के.
ओके सो ये जो आपने देखा है जितने भी मैंने पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी प्लान किया है हमारे ये जो लर्निंग आउटकम लिया है वो सभी के साथ उसी को अचीव करने के लिए ही मैंने प्लान किया है. ओके देन रिसोर्सेज क्या यूज किया है मैंने मूवीज स्टोरीज एंड नैरेटिव्स अबाउट एनिमल्स एंड देयर केयर टेकर्स ये जो हमें पीपीटी एंड वीडियोस की बात कर रहे हैं देन इंटरनेट एंड विजुअल क्लिप्स सर्वे इन द नेबरहुड डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइब्रेरी रिसोर्सेज एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अबाउट प्रिवेंशन एंड फास्ट एड फॉर स्नैक बाइट ये मैंने रिसोर्सेज यूज किया है. देन इंटीग्रेशन मैंने इंटीग्रेट कैसे किया है इंटर एंड इंटर डिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन. इंटर डिसिप्लिनरी मीन्स एक डिसिप्लिन से दूसरे मतलब मैथ्स के साथ ईवीएस को ईवीएस के साथ इंग्लिश को ये इंटर डिसिप्लिनरी है और इंट्रा डिसिप्लिनरी मीन्स ईवीएस को ईवीएस के साथ मैंने भी इंटीग्रेट किया है. जैसे कि जैसे आर्ट आर्ट को मैंने कैसे इंटीग्रेट किया मेकिंग द स्नैक पॉपेट बनाने का ये आर्ट इंटीग्रेटेड होगा. म्यूजिक को इंटीग्रेट करने के लिए एक्टिविटी विद वाइंड ब्लोन म्यूजिकल जो हमने एक्टिविटी प्लान किया वो म्यूजिक को इंटीग्रेट करने के लिए है. देन थर्ड वन इज सुपर सेंस ईवीएस में ये इंट्रा डिसिप्लिनरी हो गया. इंट्राडिसिप्लिनरी में ईवीएस में एक चैप्टर उससे पहले है सुपर सेंस. सुपर सेंसेस पहला चैप्टर है उसमें भी डिफरेंट एनिमल्स का सेंस ऑर्गन के बारे में हम पढ़ते हैं सुपर सेंस जिनका जो स्पेशल सुपर सेंसेस पावर होते हैं तो उसी चैप्टर के साथ इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं उनको थोड़ा बूस्ट ज़्यादा नॉलेज बूस्टिंग के लिए. देन आईसीटी इंटीग्रेशन जो लाइव वर्कशीट यहाँ पे असेसमेंट में मैंने दिया है वो आईसीटी हम दिखा के ये वर्कशीट दिखा के लाइव आईसीटी इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं. और अभी असेसमेंट स्ट्रेटेजी जो है क्या क्या असेसमेंट लिया है ये लर्निंग आउटकम को अचीव करने के लिए पहला है ग्रुप डिस्कशन जिसमें रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल्स होगा. ये असेसमेंट एज लर्निंग है ये डिस्कशन करते करते सीख जाएंगे वो लर्निंग मतलब डिस्कशन करते करते वो सीख जाएंगे. असेसमेंट एज लर्निंग है ये ग्रुप डिस्कशन यहाँ पे ये पहला वाला जो हमारे लर्निंग आउटकम है और सेकेंड वाला जो लर्निंग आउटकम है ये इस एक्टिविटी में ये असेसमेंट में आ जाएगा वो. देन वर्कशीट लाइव वर्कशीट जो है असेसमेंट एज लर्निंग है जो क्विज की तरह लेट अस सी यहाँ पे लाइव वर्कशीट साइट में मैं गया हूँ तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एक्टिविटी था कि लर्निंग आउटकम था कि पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नैक्स को पहचानेंगे तो यहाँ पे हमने जैसे कोशिश करेंगे जैसे राउंड प्यूपिल्स हैं तो लाइन खींच के बच्चे ये कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन होगा सॉरी ठीक है तो इस तरह का ये कोशिश करेंगे वो कनेक्ट करने की वो अपने मोबाइल में लैपटॉप में कंप्यूटर में आईसीटी इंटीग्रेटेड है बॉडी ब्लेंडेड हेड ठीक है इस तरह का वो करेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे. तो ये लाइव वर्कशीट है तो ये असेसमेंट एज लर्निंग हो गया ये भी एज लर्निंग है ये दोनों मतलब करते करते सीखेंगे. देन नेक्स्ट है वर्कशीट है असेसमेंट ऑफ लर्निंग ये फाइनल टेस्ट है इस चैप्टर का जो रिटेन मतलब वर्कशीट में क्या समझ में आया उनको जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं ठीक है तो ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग ये जनरली समेटिव असेसमेंट होती है एट द एंड ऑफ द चैप्टर तो इसीलिए असेसमेंट ऑफ लर्निंग हमने लर्निंग का असेसमेंट कर रहे हैं. देन क्विजेस डूज एंड डोंट असेसमेंट फॉर लर्निंग यहाँ पे हमने स्नैक्स बाइट से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए है ना इसके ऊपर हम क्विज बना सकते हैं. ओके सो ये हो गया मेरे कंप्लीट लेसन प्लान एग्जाम्पल के हिसाब से मैंने कनेक्ट करने की कोशिश किया है तीन चीज़ों को लर्निंग आउटकम उसके साथ साथ उसी लर्निंग आउटकम को अचीव करने के लिए पेडागोजिकल प्रोसेस और उसी लर्निंग आउटकम को टेस्ट करने के लिए असेसमेंट स्ट्रेटेजी ये तीन चीज. अभी उसके बाद हम आगे आते हैं एक्स्ट्रा चीज जो है कि एनईपी जो सजेस्ट कर रही है कि 21st सेंचुरी स्किल्स और वैल्यू एजुकेशन जो मैं पहले भी बताया था कि हमने कहीं ना कहीं हम थर्ड पार्ट को जो कैसे का एटीट्यूड पार्ट को हम भूल जाते हैं तो ये वैल्यू जो है उसको यहाँ पे हम कैसे करते हैं जैसे एम्पैथी सेंसिटिविटी अबाउट क्रुएलिटी टुवर्ड्स एनिमल्स केयरिंग फॉर पेट्स जब हम डिस्कशन कर रहे हैं सर्वे कर रहे हैं एनिमल्स को जो रखते हैं उसका ख्याल किस तरह से रखते हैं उनके रिलेशन क्या है ये हम बच्चों में डेवलप करने की कोशिश करेंगे ये एम्पैथी स्किल्स को और वैल्यू एजुकेशन को. देन कोलाबोरेशन इन ग्रुप्स एंड पीयर व्हाइल डिस्कसिंग अबाउट लाइफ ऑफ वेरियस पीपल हु डिपेंड अपॉन द एनिमल्स एंड फॉर देयर लाइवलीहुड इस तरफ जब डिस्कशन करेंगे या जो सर्वे करेंगे उस टाइम वो कोलाबोरेट करेंगे एक दूसरे को हेल्प करने की कोशिश करेंगे ये चीज डेवलप होगा ऑटोमेटिकली. जैसे डायरेक्टली कुछ चीजें हम डायरेक्टली सिखाने की कोशिश करते हैं कुछ चीजें इनडायरेक्टली सीख जाते हैं बच्चे तो हम इनडायरेक्टली एक सेंटेंस बोल दिया एक चीज बोल दिया कि इस तरह करना है तो वो चीज. देन क्रिटिकल थिंकिंग व्हाट आर द प्रिकॉशंस वी हैव टू टेक द प्रिवेंट अस फ्रॉम द स्नैक बाइट हाउ डू यू स्नैक हेल्प फार्मर ये दो क्वेश्चन है क्रिटिकल थिंकिंग के लिए जो स्नैक्स
तो पहले तो डर जाते हैं बच्चे स्नेक बोलने से, लेकिन वो फार्मर का फ्रेंड कैसे है, हेल्प कैसे करें, क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पे जो है, व्हाट आर द प्रिकॉशन वी हैव टू टेक प्रिवेंट अस फ्रॉम द स्नेक बाइट। मैंने जो एक पीपीटी बनाया था, जो स्लाइड आपको दिखाया था, उसमें एक चीज है यूज मॉस्किटो नेट। मॉस्किटो नेट से स्नेक्स से बचने के लिए क्यों जरूरत है, क्रिटिकल थिंकिंग होगा, है ना, क्योंकि जनरली जो गाँव में छोटे कट में रहते हैं, हट में छोटे कुड़िया में जो रहते हैं, जनरली सांप जो भी काटते हैं, हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, अभी रिसेंटली यहाँ पे दो चार केसेस ऐसे आए, तो छत के ऊपर से वो मिट्टी वाला छत होता है, छप्पर वाला, तो उसमें से गिर गया है सांप और काट गया, उनके बेड में गिर गया और काट गया। तो अगर हम मॉस्किटो नेट यूज में ऊपर से गिरेगा तो बेड में तो नहीं आएगा, मॉस्किटो नेट में ही रह जाएगा इस तरह का, या फिर नीचे से रेंगते हुए अगर जाएगा मॉस्किटो नेट है तो अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगा। देन रियल लाइफ एप्लीकेशन मेकिंग फास्ट एड किट एंड लिस्टिंग दैट आइटम इंक्लूडेड इन, ये रियल लाइफ के लिए आप क्लास में, क्लास फाइव में बच्चों को एक फास्ट एड किट बना के अपने क्लास में रखने के लिए बोल सकते हैं। जब भी गेम पीरियड में जाते हैं, किसी को चोट वगैरह लग जाती है, तो आप वो रियल लाइफ में वो इसको अप्लाई करने के लिए, तो ये रियल लाइफ एप्लीकेशन हो, हमने इसी लेसन में पेडागोजी के अंदर वो सीखते सीखते ये जी भी सीखे। देन अगर हमारा प्लानिंग सक्सेस नहीं हुआ जो मैंने प्लान किया, रिमेडियल किया है, स्टोरी टेलिंग एंड क्विजेस ऑन स्नैक्स एंड अदर एनिमल्स एंड देयर रिलेशन विद ह्यूमन बीइंग। मैंने ग्रुप डिस्कशन में कुछ बच्चे पार्टिसिपेट नहीं किए, उनको हम स्टोरी बताएंगे सांप के रिलेटेड, अनदर एनिमल्स के रिलेटेड, जो कि ह्यूमन और एनिमल्स रिलेशनशिप के ऊपर स्टोरी सुना के इसका जो एम ऑब्जेक्टिव है। देखिए मैं बात कर रहा हूँ आपका ये रिमेडियल टीचिंग, आपका लेसन स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम की बात नहीं करें, हम एनसीईआरटी लर्निंग बात कर, लर्निंग से भी हम अचीव कर सकते हैं। देन रीडिंग ऑफ एनी स्टोरी बुक ऑफ देयर ओन चॉइस अबाउट एनिमल्स एंड बर्ड्स, फाइंड आउट अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट देम, तो ये रिमेडियल टीचिंग का प्लानिंग मेरा है। एंड आफ्टर सेल्फ असेसमेंट, जैसे कि रिफ्लेक्शन हम करते हैं, हम हर सेशन के बाद आपको जो है बताया कि रिफ्लेक्ट करना है हमने क्या सीखा, तो सेल्फ असेसमेंट आपका लेसन प्लान के बाद, वेयर ऑल द स्टूडेंट एंगेज इन ऑल एक्टिविटी, ये खुद को पछड़े वाला है, ये लेसन प्लान में रहने वाला नहीं है। देखिए यहाँ पे मैंने सिग्नेचर ऑफ टीचर, सिग्नेचर ऑफ प्रिंसिपल लिख जाइए वाला, सेवन वाला पार्ट अपने के लिए है, है ना, हम खुद देखेंगे। देन वेयर आई द क्वेश्चन पोस्ट टू अ स्ट्रेस्ड स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग अप्रोप्रिएट, वाज आई बी एबल टू मूव थ्रू द वेरियस स्टेजेस सक्सेसफुली, वाज आई एबल टू कीप टाइम, हाउ सेटिस्फैक्टरी हैज बीन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान, एंड डू आई नीड एनी मॉडिफिकेशन इन द प्लान। ये रिफ्लेक्शन अपने आप में करना है। तो ये एक एग्जाम्पलर लेसन प्लान है मेरे तरफ से, मैं ट्रैक किया हूँ आपके समक्ष रखने के लिए कि हम एक्चुअली चाहते क्या है, एनसीईआरटी लर्निंग आउटकम अचीव करने के लिए हमारे लेसन प्लान को किस तरह से हम अलाइन करेंगे लर्निंग आउटकम के साथ, असेसमेंट स्ट्रेटेजी के साथ, और हमारे पेडागोजिकल प्रोसेस के साथ। सो एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेसन प्लानिंग अलाइन विथ एनसीईआरटी लर्निंग आउटकम? सर, असेसमेंट एज लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा और क्लियर अगर हो सकता है तो। ओके ओके, आप बात कर रहे हैं असेसमेंट एज लर्निंग एंड फॉर लर्निंग। हाँ, असेसमेंट एज लर्निंग मैडम फॉर्मेटिव असेसमेंट है। आपने जैसे कि फॉर लर्निंग का क्या है, एक मिनट, असेसमेंट फॉर लर्निंग मतलब मैंने क्या है कि एक एक्टिविटी दे दिया है, जैसे कि सर्वे किया और वो कुछ किया, तो वो असेसमेंट फॉर लर्निंग मीन्स वो असेसमेंट करने के बाद वो हेल्प करेगा बच्चों को एक नया कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए, और असेसमेंट एज लर्निंग मतलब करते करते सीखेंगे। क्विज है, जो एक्टिविटी हम वर्कशीट वगैरह कराते हैं बीच में सेशन के बीच में, मतलब वो आपके प्लान के बीच में। और एक चीज है, असेसमेंट के ऊपर पर्टिकुलरली एक सेशन है मैडम, उसके ऊपर ये तीनों टाइप के असेसमेंट को क्लियर एग्जांपल के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे, उसमें शायद आई थिंक क्लियर हो जाए। असेसमेंट के ऊपर एक सेशन है लास्ट डे में मैडम, वो मेरा ही सेशन है, उसमें हम ये पार्ट को क्लियरली ओनली असेसमेंट पार्ट को डिस्कशन करेंगे। यस ओके सर, यस सर, टाइम टेबल में देखेंगे, असेसमेंट के लिए एक स्पेशल सेशन है मैडम, क्योंकि उसमें बहुत सारे एग्जांपल लेंगे जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा वो। ओके सर, अभी यहाँ पे इस सेशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम किस तरह से लर्निंग आउटकम को पेडागोजिकल प्रोसेस एंड असेसमेंट के साथ अलाइन करेंगे, एक ही लाइन में कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा प्लान सक्सेसफुल। होप आप लोगों को ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और नेक्स्ट लेसन प्लान जब आप करेंगे अपने क्लास में नेक्स्ट फोर्टनाइट के लिए, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओके, बिल्कुल सर, एनीथिंग इफ यू वांट टू टेल। थैंक यू सर। सर, कैन आई आस्क अनदर क्वेश्चन सर? श्योर श्योर मैम, श्योर।
Yes, sir, my question is whether we should write a separate lesson plan for EVSN classes 1 and 2. Because in 2021, mein ek letter aaya tha, sir, wahan pe bola gaya tha ki EVS ko integrated way mein padhana hai. Class 1 and 2, yes ma'am, class 1, 2 mein EVS ke liye aapko koi bhi lesson plan ki jarurat nahi hai. Wo iske subject hi nahi hai, madam. Wo integrated hoga. Aap maths padhayenge, hindi padhayenge, इंग्लिश पढ़ाएंगे, उसके साथ साथ ईवीएस का कुछ कॉन्सेप्ट, जैसे हमने इंटीग्रेटिव लर्निंग की बात किया ना, एक हम इंटीग्रेटेड अप्रोच के लिए एक कॉलम अलग से बना रखा था कि मैंने किस चीज को इंटीग्रेट करें, तो हम मैथ पढ़ाते पढ़ाते कुछ चीजें ईवीएस का जो हेल्थ एंड हाइजीन टॉपिक हो गया, अपने बॉडी पार्ट्स की बात हो गई, वो आप उसको साथ इंटीग्रेट करके पढ़ाएंगे. एग्जैक्टली वी आर, हां हम यही फॉलो कर रहे हैं सर. मुझे डाउट था कि मतलब हमें अलग से लिखना है कि नहीं, क्योंकि इसको लेके कंफ्यूजन है. 1-2 में अलग से ईवीएस लिखना है कि नहीं, उसको लेके मतलब Good afternoon, everyone. I am honored and lucky to have the opportunity to give a vote of thanks on effective lesson plan aligned with learning outcome. A special thank to our Sri Rajesh Kumar sir, course coordinator, Sri Vikram Kumar Verma, and S.K. Nanda sir, training associate, Diet Bhubaneswar. In this session, we have learned how to make lesson plan effective with various methods and strategies. And also learned the statement of teaching philosophy, and we have also learned the connecting dots, like three dots: learning outcome, pedagogy, progress, and assessment. We have enjoyed this session and share the experience of this workshop with our colleagues. Finally, I again want to thank all the training associate and my colleagues. Thank you. Thank you, sir. So thank you, everyone. Let us break for lunch. 1:55 we should join. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir.